ACL सर्जरी के कितने दिन बाद घुटना मुड़ने लगेगा, आज मैं इस पे बात करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर मनोवर, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ। टीम ऑर्थोस्पोर्ट, गुड़गांव, बॉम्बे, बेंगलोर। तो दोस्तों, ACL सर्जरी के बाद घुटना कितने दिनों में मुड़ने लगेगा, आखिर ये सवाल क्यों आया? ये सवाल इसलिए आया क्योंकि लोगों के घुटने मुड़ने में टाइम लगता है। अगर किसी सर्जरी में फटाक से घुटना मुड़ जाता तो ये सवाल ही नहीं आता। आखिर टाइम क्यों लगता? क्योंकि दोस्तों, जो कन्वेंशनल सर्जरी होती थी ACL की, जिसके अंदर आपके हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनियस लॉन्गस टेंडन या फिर कोई मिक्स्ड ग्राफ, क्वाड्रिसेप्स, पेरोनियस, दोनों क्वाड्रिपल, सिक्स लेयर, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं अलग अलग तरीके, उनको हमने ACL के रूप में बनाया और उसको हमने बोन से फिक्स किया ऊपर बटन से। बटन में एंडो बटन आ सकता है, जो फिक्स लूप डिवाइस रहता है, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है, या फिर एडजस्टेबल बटन आ सकते हैं जो छोटे हो जाते हैं अंदर जाके, इनकी लूप शॉर्टनिंग हो जाती है, वो बेटर है। उसके अंदर भी जनरेशन 2 के टेप्स में आने लग गए और जनरेशन 1 के वायर में आने लगे। जनरेशन 2 डेफिनेटली जनरेशन 1 से बेटर है और नीचे इसमें स्क्रू लग जाता है। अब इस टेक्निक में दोस्तों, आपका जो नया लिगामेंट है उसको 45 दिन लगेंगे हड्डी से चिपकने। तो अगर किसी लिगामेंट को 45 दिन लग रहे हैं हड्डी से चिपकने में और आपने ऑपरेशन के तुरंत बाद घुटना पूरा बैंड कर दिया तो वो ढीला हो जाएगा उसी दिन। इसीलिए ACL सर्जरी के बाद घुटना बैंडिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। पहले 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, धीरे 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 करके बढ़ती है। सो कन्वेंशनल सर्जरी में अगर आप पहले दिन से ही पूरा घुटना बैंड कर लें तो आपका लिगामेंट ढीला हो जाएगा और सर्जरी वहीं फेल हो जाएगी, क्योंकि लिगामेंट को चिपकने में टाइम लगता है। इसीलिए जो बेंडिंग आती है वो 2 से 3 महीने में धीरे 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 करके अचीव की जाती है। ACL सर्जरी के साथ साथ आपको कोई और भी इंजरी है, जैसे आपकी मल्टी लिगामेंटस सर्जरी होगी, मतलब इसमें MCL, LCL या PCL का भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, या फिर आपका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है, तो प्रोटोकॉल और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिगामेंट बने हैं, सारे के सारे कच्चे हैं, कोई भी हड्डी से चिपके नहीं है, बहुत सारे खड्डे हो गए हमारे हड्डी के अंदर बड़े बड़े लिगामेंट जाने के लिए, तो इसमें बेंडिंग और कम हो जाती है धीरे धीरे करके। 3 से 4 महीने में कंप्लीट बेंडिंग आती है। एक बार अगर आपकी बेंडिंग स्लो हो गई दोस्तों तो घुटना जाम होने लगता है कुछ दिनों बाद। तो घुटना जाम होगा तो और ज्यादा मुश्किल होगी बैंड करने में, और ज्यादा तकलीफ होगी। तो कुछ परसेंटेज लोग ऐसे होते हैं जिनकी बैंडिंग कभी नहीं आती, उनको फिर बेहोश करके बैंड करना पड़ता है 3 से 4 या 6 महीने के बाद। वो डॉक्टर डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के इम्प्लांट लगे हैं, कौन सी टेक्निक से आपका ऑपरेशन। अगर आपका मेनिस्कस रिपेयर हुआ ACL रिकंस्ट्रक्शन तो भी कई बार बैंडिंग रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, डिपेंड करता है कौन सी टेक्निक से हुआ है, कब तक बैंडिंग आएगी। वहीं अगर आपकी दोस्तों सर्जरी हुई है ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, मतलब आपके नया लिगामेंट नहीं बनाया गया, जो ACL टूटा हुआ है उसी को रिपेयर कर दिया और रिपेयर को हमने बचा लिया है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस से। इसके अंदर एडजस्टेबल यूज होते हैं, इसके अंदर स्कॉर्पियन नीडल यूज होती है उसको स्टिच लेने के लिए, इसके अंदर सूचर टेप्स यूज होते हैं, इसके अंदर एक अलग तरीके की टाइट रोप आती है ACL रिपेयर टाइट रोप, वो यूज होती है, और फाइबर टेप को फिक्स करने के लिए इसमें स्वेवल लॉक यूज होता है एंकर, जो कि स्क्रू नहीं है। स्क्रू से आप फाइबर टेप फिक्स नहीं कर सकते, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस करने के लिए आपको एंकर ही लगाना पड़ता है, स्क्रू से पॉसिबल नहीं है वो चीज़। क्यों पॉसिबल नहीं है वो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, क्योंकि स्क्रू हमारी फाइबर टेप को इस तरह से पकड़ता है, स्क्रू फाइबर टेप को इस तरह से पकड़ता है जो कि मजबूत नहीं है, खींचोगे तो खींच जाएगी। जब एंकर उसको पकड़ता है तो पहले फाइबर टेप में अंदर जाती है फिर दोबारा बाहर निकलती है, वो इस तरह के लूप से पकड़ता है, क्योंकि इसमें एक आई होती है एंकर के आगे, तो ये स्वेवल लॉक ही ऐसा एंकर है जिससे आप फाइबर टेप फिक्स कर सकते हो, उसी को इंटरनल ब्रेस बुलाया था। अगर हमने ACL रिपेयर विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस किया, जिसमें मैंने आपके रिपेयर को प्रोटेक्ट कर दिया है फाइबर टेप से, इंटरनल ब्रेस का मतलब ये है कि मैंने अंदर ब्रेस बना दिया है, सो अब उसके ढीले होने के, लंबे होने के, फटने के चांसेस नहीं है दोस्तों। इसीलिए आपकी बेंडिंग तुरंत कर सकते हो, फर्स्ट डे से ही हम लगभग 90 डिग्री बेंडिंग कर सकते हैं, 90 to 100 डिग्री, जितना पेशेंट कर पा रहा है। इसके अंदर बेंडिंग इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें पेन बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेस होता है, क्योंकि हड्डी बिल्कुल कम कटती है, क्योंकि हमने रिपेयर किया है, आपका नया लिगामेंट तो डाला नहीं, तो बड़े सॉकेट करने की जरूरत नहीं है जिसमें लिगामेंट जा रहा है हड्डी के अंदर, बिल्कुल छोटा छेद होगा जिससे सिर्फ फाइबर टेप जाएगी, बाकी आपका ओरिजिनल लिगामेंट ही रिपेयर, तो आपको ऑपरेशन के बाद दर्द नहीं होता, आपको सूजन कम आती है, आपका नी बैंड आराम से जाता है और बैंड कर भी सकते हैं क्योंकि उसके ढीले होने के चांसेस नहीं, क्योंकि अंदर प्रोटेक्ट कर। अगर आपकी सर्जरी ACL रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस हुई है, मतलब नया बनाया गया पर इंटरनल ब्रेस से बनाया गया, तो इसके अंदर भी बैंडिंग तुरंत ही अचीव कर दी जाती है अगले दिन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी दोस्तों हड्डी कम करती है, हम फ्लिप कटर यूज कर, इसके अंदर भी हमने फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस लगाया जिसको हमने स्वेवल लॉक से फिक्स किया है। अब आपके नए लिगामेंट जो कि चिपका नहीं हड्डी से, जो कि कमजोर भी है, अब उस पर अगर ज़्यादा जोर पड़ेगा तो फटेगा नहीं, क्योंकि अब अंदर ही ब्रेस बन गया है। अगर अंदर ब्रेस बना दिया तो बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं, बाहर वॉकर की जरूरत नहीं, पहले दिन से पूरे वजन देके चल सकते हो, पहले दिन से पैर बैंड कर सकते हो, तो मोस्टली पेशेंट में 1 महीने में कंप्लीट बैंडिंग आ जाती है। अगर आपका इंटरनल ब्रेस से सर्जरी हुई है पर एडिशनली आपकी मेनिस्कस रिपेयर भी हो, तो मेनिस्कस रिपेयर हुआ डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा मेनिस्कस रहता है, उस हिसाब से हम उसकी बैंडिंग रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर मल्टी लिगामेंटस है सर्जरी दोस्तों और सारी की सारी इंटरनल ब्रेस से हुई है, तो भी इसमें बैंडिंग आप जल्दी अचीव कर सकते हो, आप 1 महीने में कंप्लीट बैंडिंग आ जाती है। सो
डिपेंड करता है कि कितनी इंजरी है, कौन कौन सी इंजरीज है, कैसी सर्जरी हुई है, नॉर्मल सर्जरी है, इंटरनल ब्रेस सर्जरी है, रिपेयर है या फिर रिकंस्ट्रक्शन है। अगर आपको इस बारे में कोई भी और डाउट है तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आप। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।